हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन गेट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं डियर। यहां पर जो डिस्कशन होगा वो बेसिकली होगा एनालिसिस, यानी जो भी पेपर में अभी तक आया हो उसका पूरा एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं विद ईच क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। तो डियर यहाँ पर मैं कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या हैं कैसे हैं, तो मैं लेकर आ रहा हूँ एनालिसिस ऑफ RRP 25 अगस्त 2015 में पूछा गया था। रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि शिफ्ट 1, 2, 3 यानी तीनों शिफ्ट में पूछा गया है। तो बने रहिए मेरे साथ यहाँ पर रेगुलर गेट एकेडमी पर और रेगुलर क्लासेस आप लेते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा RRB का नोटिफिकेशन, RRB JEE के लिए नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका था जो कि 30 जुलाई 2024 को हुआ था एंड लास्ट डेट है आपकी 29 अगस्त 2024। तो बेटा अभी भी अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो कर दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी है, 7900 पोस्ट है यानी 7900 प्लस पोस्ट है। एंड साथ ही इसके लिए बहुत ही नॉमिनल से फीस रखी गई है 777। जी हाँ 777 में आप कवर करेंगे CBT 1 एंड CBT 2 यानी दोनों कोर्सेज आप यहाँ पर कवर करेंगे 7900 पोस्ट के लिए। एंड प्लस अगर आप केवल CBT 1 लेना चाहते हैं तो आपको ये 499 रुपीज में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो माय डियर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। RRB रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में हमारे पूछे गए प्रश्नों का यहां पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर जो पहला क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन एनालॉगी। एनालॉगी यानी समरूपता, यानी इसका रिलेशन 14 का 49 से है तो 18 का रिलेशन क्या होगा। आपका टाइमर डियर ऊपर चल रहा है, आप इस टाइम के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। देन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या लगा है। डियर यहां पर आपको जो टाइम दिया है इसी टाइम के अंदर आपको बताना है लास्ट 10 सेकेंड्स है। टाइम अप हुआ। देखिए यहां पर 14 का रिलेशन 79 से बना कैसे, सबसे पहले बड़ी बात यह है। तो जब आप देख रहे थे 14 14 14 थी 42 14 चौदह 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 का टेबल याद है 14 का, 14 14 दुनिया 28 14 42 14 चौका 56। तो कुछ वहां से मिल रहा है। अगर हम 14 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो रिजल्ट विल बी 42 42 प्लस 7 यानी रिजल्ट हो गया 49। क्या सेम लॉजिक आगे लगेगा? तो 18 मल्टीप्लाई 3 रिजल्ट हो जाएगा कितना, 54 प्लस 7। अगर हम 54 प्लस 7 करेंगे तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, 61। क्या ऑप्शन में है? नहीं। अच्छा दूसरा लॉजिक देखो, 80 मल्टीप्लाई 3 रिजल्ट हो गया 54, 54 प्लस 9। हम ये भी तो कर सकते थे। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, तो देखो यहां पर क्या किया है, जस्ट हाफ कर दिया है 14 का जस्ट हाफ कर दिया, तो यहां 9 का जस्ट हाफ कर दिया 1/2। ठीक है तो आप देखिए 9 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 63। तो 63 आपको मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। तो 63 आपका आंसर हो जाता है। तो ये तो आपका पहला कॉन्सेप्ट था, पहला लॉजिक था। अब दूसरा देखिए, आपका 14 से 49 कैसे बना, तो देखिए 14 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट आया 7 मल्टीप्लाई विद 7, तो रिजल्ट कितना हो गया 49। अब देखिए 18 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट हो गया कितना 9 मल्टीप्लाई विद 7, तो रिजल्ट कितना हो गया 9 × 7 यानी रिजल्ट हो गया 63 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जब कभी भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे एंड चीजों को बड़ा क्लियरिटी से देखकर हम लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपका डायरेक्शन पे।
तो डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं लगता कि 45 सेकंड से ज्यादा मैं आपको समय दूं। तो एक काम करते हैं, 45 सेकंड का टाइम लेते हैं एंड इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। 45 सेकंड्स, और बताइए मुझे लॉजिक क्या लगेगा। टाइम भी अप हो जाता है एंड क्वेश्चन समझने की भी जरूरत है कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। माय डियर, सबसे पहले देखो ईस्ट का रिलेशन किससे दिया है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है। हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड नीचे हमारी होती है साउथ। इसके अलावा हमारी सब डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो कह रहे हैं क्या ईस्ट का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट से। जब आपसे कह रहे हैं ईस्ट का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट से है तो आप कैसे निकालोगे। देखिए ईस्ट का रिलेशन नॉर्थ वेस्ट है, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, यानी 3 स्टेप चले आप एंटी क्लॉकवाइज। तो पूछा नॉर्थ का रिलेशन किससे होगा, तो नॉर्थ का रिलेशन 1 2 3 साउथ वेस्ट से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो रिलेशन जैसा दिया वैसे ही हमें भी अप्लाई करना है और हमें आंसर निकाल लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री में डियर आपको ये सारी चीजें ना अप्लाई करनी है एक सीक्वेंस में और आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। और जब आप सीक्वेंस बताओगे डियर तो मैं आपको बता दूं ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, ये आपका डी ऑप्शन है, ये आपका ई ऑप्शन है, ये आपका एफ ऑप्शन है, यानी ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 ऑप्शंस आपके ये हैं। और इन 6 ऑप्शंस के हिसाब से आपको मुझे बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या आया। चलो अब इसमें देखो सबसे पहले दिया है आपको एजुकेशन, सैलरी, चाइल्ड, अप्लाई, इन्फेंट, देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। तो माय डियर सबसे पहले क्या होता है, शिशु होता है, एक बच्चा होता है। अच्छा एक चीज देखिए, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस कुछ गलत हो गए। एक बार डियर लेट मी चेक। डियर यहां पर ना ऑप्शंस थोड़े से गलत लग रहे हैं मुझे। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। एजुकेशन है, सैलरी है, चाइल्ड है, फिर अप्लाई है, फिर इन्फेंट है, फिर एम्प्लॉयमेंट है। तो आप अगर देखो तो सबसे पहले इन्फेंट होगा, इन्फेंट यानी 5। इन्फेंट के बाद वो क्या बनेगा, चाइल्ड, ठीक है, यानी 3। 3 के बाद आपका क्या होना चाहिए, तो चाइल्ड के बाद वो क्या करेगा, चाइल्ड बनने के बाद वो लेगा एजुकेशन 1। और एजुकेशन बनने के बाद वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा, यानी 4। 4 के बाद वो क्या करेगा, उसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 6। और 6 के बाद उसको क्या आएगी, सैलरी आएगी, यानी सेकंड। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए था, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए था। तो यहां पर जो सीक्वेंस है मुझे लग रहा है
कुछ गलत हो गया। चलो मुझे लग रहा है शायद ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो गए, चलिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा। आपका जो सीक्वेंस बनेगा डियर वो ये बनता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं हम लोग अपना, एंड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट 7 सेकंड का टाइम है आपके पास। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हर किसी का रिलेशन किसी ना किसी से दिया होगा, आपको बताना है कौन किसका क्या लगेगा। माय डियर प्लीज क्वेश्चन को देखो, टाइम अप होने वाला है। देखिए टाइम खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। हम अगर किसी मेल कैंडिडेट को ले रहे हैं तो हम एक बॉक्स मिलेंगे, अगर किसी फीमेल कैंडिडेट को लेंगे तो हम एक सर्कल मिलेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन अगर हम कहीं लेंगे तो हम डॉट लगाएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन अगर हम लोग कहीं लेंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमें हर एक रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी। सी इज मैरिड टू ए, यानी सी की शादी ए से हुई है, बट सी का जेंडर नहीं पता, बट सी की शादी ए से हुई है तो डॉट लगा लीजिए। सी मैरिड टू ए सिस्टर ऑफ डी, इसका मतलब क्या है? सी की शादी ए से हुई है बट वो क्या है, सिस्टर है किसकी, डी की। तो सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो इससे ए का जेंडर भी क्लियर हो गया, मेल हो गया क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो गए। बी इज द फादर ऑफ ई, यानी बी इज द फादर ऑफ ई। अब ई के बारे में बोला है, ई हु इज द सन ऑफ डी, यानी जो ई है वो सन है किसका, डी का। ई इज सन ऑफ डी, और यहां लिखा बी इज द फादर ऑफ ई, तो बी अगर फादर होगा ई का और डी इसका भी, डी का सन भी है ई, तो डी कौन हो गई, फीमेल, और इन दोनों की शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ हो गए, क्लियर है। जी इज द सिस्टर ऑफ ई, यानी अब देखिए जी सिस्टर है किसकी, ई की, यहां पर आ गए। हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, जी सी से कैसे रिलेटेड है, तो माय डियर जी जो है वो सी की क्या लगेगी, नीस लगेगी, क्योंकि देखिए जी के फादर कौन है, सॉरी जी की मदर कौन है, डी, और सी हो गई मौसी, मौसी यानी भांजी। जी जी क्या लगेगी, जी इज रिलेटेड टू सी, जी नीस लगेगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है, वही वाला क्वेश्चन है जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, करेक्शन के साथ मैं इसको वापस यहां पर लेकर आया। तो एक बार आप लोग बताइए कि इस इनमें ऑप्शंस कौन सा सही होगा। चलिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आंसर इन 30 सेकंड्स। देखिए मैंने आपको इतना कम समय दिया था, उसका एक रीजन था, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले क्या होगा, इन्फेंट यानी 5, और देखिए 5 केवल एक ही में है,
और जब इन्फेंट होगा, इन्फेंट के बाद वो क्या होगा, चाइल्ड होगा, तो 5 देखिए 3 में है, सॉरी इनमें चाइल्ड हो गया, और चाइल्ड के बाद देखिए सब में 1 है, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, 1 यानी एजुकेशन लोगे। तो यहां तक तो सभी सेम थे बाकी, ठीक है। अब या तो 4 या 6, तो 6 में है एम्प्लॉयमेंट, फिर है अप्लाई। तो एम्प्लॉयमेंट तो तब मिलेगा जब अप्लाई करोगे, तो अप्लाई किया तो एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला तो क्या मिलेगी, सैलरी। तो 531462, 531462 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हमें सीक्वेंस फॉलो करना है। अरे वाह बेटा, अब जो क्वेश्चन है ये अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंपैरिजन है, कंपैरिजन रैंकिंग का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। जब क्वेश्चन कंपैरिजन रैंकिंग का हो तो प्लीज ध्यान से देखना। डियर लास्ट 22 सेकेंड्स है, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। लास्ट 6 सेकेंड्स। यहां लिखा है अमन 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता लेकिन 6 कौन कौन से। कह रहे बीज वेट इज हाफ एज मच एज ई, यानी जो बी का वेट है वो जस्ट हाफ है ई के वेट के। चलो इतना हमें क्लियर है। एफ वेट इज 2.5 टाइम्स एज मच एज सी, यानी एफ का जो वेट है वो कितना है, 2.5 एज मच एज सी, यानी सी के वेट से 2.5 गुना है एफ का वेट। एज वेट इज हाफ एज मच एज डी, तो यानी ए का वेट क्या है, हाफ है किसके, डी के, तो ए का वेट डी से कम है। एंड ट्वाइस एज मच एज सी, और ए का वेट कितना है, ट्वाइस है किसके, सी के, ये भी हमें क्लियर हो गया। फिर क्या, डीज वेट इज 3 टाइम्स एज मच एज ई, तो देखिए डी का जो वेट है वो कितना है, 3 टाइम्स है एज मच एज ई, यानी ई के वेट के। कह रहा है विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हाईएस्ट टू लो की तरफ जाना है, सबसे ज्यादा वेट किसका है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है सबसे ज्यादा वेट या तो डी का है या बी का होगा, तो हम कैसे पता करें। तो हम कहते हैं कि डियर हम ई को ले लेते हैं, मान लीजिए 20, तो अगर ये 20 है तो डी का वेट कितना हो जाएगा, 60, इतना तो क्लियर हो गया। और अगर डी का वेट 60 है तो ए का वेट कितना हो गया, ए का वेट हो गया 30, और ए का वेट डबल था किसके, अगर ए का वेट 30 है तो सी का वेट कितना हो गया, 15, 15 डबल 30 हो गया। अगर सी का वेट 15 है तो डियर एफ का वेट कितना हो गया, 15 2.5, ठीक है। तो देखिए 15 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 दूनी 30, और 30 इसका हाफ और ले लीजिए, तो यानी 37.5, यानी एफ का वेट हो गया 37.5, ई का वेट 20, तो बी का वेट कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से आप देखिए आपने सबके वेट निकाल लिए। अब सीक्वेंस लगाते हैं, सबसे पहले कौन आएगा, डी, जो कि डी है आपका कितना, 60। डी से पहले क्या आएगा, एफ, एफ का वेट कितना है, 37.5, एफ का वेट हमने निकाला 37.5। अच्छा एफ के वेट के बाद वेट देखिए किसका कम है, ए का, तो ए का वेट कम हुआ, ए का वेट कितना हो गया, 30 हो गया, तो
तो DFA, तो DFA आपको कहाँ कहाँ मिला? फर्स्ट में एंड लास्ट में। तो देखिए, ए ए से कम वेट किसका है? ए से कम वेट है ई का। ई का वेट कितना है? 20। और ई से कम वेट किसका है? सी का। सी का वेट कितना है? 15। और सी से कम वेट किसका है? बी का। बी का वेट है 10। तो देखिए, DFAECB, DFAECB, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी क्वेश्चंस कीजिए तो प्लीज ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। नेक्स्ट, मिसिंग कैरेक्टर। तो अब आप देखिए, 2015 में, यानी जो एक साल बाद इसका री एग्जाम हुआ था, उसमें क्या किया इन लोगों ने, बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछे। बच्चा ये सोच के गया था कि जो प्रीवियस हुआ है वैसे ही कुछ आएगा, बट एक्चुअल में वैसा नहीं आया। तो बताइए यहां पर आंसर क्या होगा? बेटा जब भी क्वेश्चंस कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा। बहुत ही लॉजिकल आंसर है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर है। प्लीज आंसर ध्यान से कीजिए। अब हमें इसको समझना पड़ेगा माय डियर। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल हटके था। बहुत बार दिमाग लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स को, बहुत बार समझना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है डियर, बहुत बार इसमें कॉलम वाइज भी आंसर हो सकते हैं, बहुत बार इसमें रो वाइज भी आंसर हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी रो 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखिए यहां पर आंसर हुआ कैसे, जब रो 1 की बात हुई तो 6 × 27, और आपने डिवाइडेड कर दिया किससे? नहीं, आपने क्या किया, यहां से लिया 6, यहां से लिया 9। 6 × 9 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट हो गया कितना? 3। फाइनल रिजल्ट बना 27, जो कि आपका आंसर ये आया। फिर यहां देखिए, 8 × 7 डिवाइडेड बाय 2, तो रिजल्ट कितना हो गया? 4। 4 × 2 रिजल्ट कितना हो गया? 4 × 7 = 28, 28। नेक्स्ट, 11 × 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आप देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो गया 2, तो रिजल्ट कितना हो गया? 22। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा? 22। 22 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये क्लॉक बेस्ड एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी वॉच को डायरेक्शन बेस्ड कंसिडर करने पे अलग अलग आंसर देता है। तो आपको यहां पर थोड़ा ध्यान से आंसर करना है डियर।
चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन था क्या। माय डियर, एक क्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट 5:15 पे जो है ना द मिनट हैंड पॉइंट्स द साउथ, यानी मिनट हैंड जो है वो कहां पर है, साउथ में है। तो कह रहा है इन विच डायरेक्शन द आर्स हैंड विल पॉइंट एट 7:30 पर। आपका आर्स हैंड किस डायरेक्शन में होगा, यानी 7:30 बजे आप घंटे वाली सुई को अगर देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। चलिए टाइम अप होता हुआ यहां पर, अब हम इसको समझते हैं। यहां पर कह रहा है एक क्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल इन सच ए वे, तो हम एक क्लॉक को बनाते हैं 5:15। तो माय डियर 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8। जब आपने 5:15 पे उस घड़ी को देखा होगा तो 5:15 पे वो घड़ी किस तरीके से दिख रही होगी, 5:15। तो 5:15 का मतलब है जो घंटे वाली सुई है वो आपकी यहां पर होगी लगभग, और मिनट वाली सुई आपकी यहां पर होगी। क्या होगी, घंटे वाली सुई तो आपने बताई देखी कहां पर होगी, और मिनट वाली सुई आपकी यहां पर होगी। तो अभी आपको घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई समझ में आ रही है, तो उस केस में आप देखिए द मिनट हैंड पॉइंटेड टू द साउथ, यानी मिनट हैंड कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ में। और अगर ये साउथ है तो साउथ के अपोजिट क्या होगा, ठीक अपोजिट होगा नॉर्थ। नॉर्थ यानी ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट, क्योंकि देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हो जाएगी वेस्ट। तो यानी हमने डायरेक्शंस निकाल ली। तो अब देखिए आपका जो घड़ी का जो समय था उसका खेल हो गया खत्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको समझना है कुछ। माय डियर देखिए आपकी मेन चार डायरेक्शंस आपकी निकल गई, अब ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या कहलाएगी, साउथ और ईस्ट के बीच में यानी साउथ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी कहलाएगी, आप देखिए ये साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या कहलाएगी, ये वाली डायरेक्शन आपकी कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन आपकी कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, यहां से लेके यहां तक पूरा। तो अब हमारा ये वाला टास्क भी खत्म हो गया। तो जब ये वाला टास्क खत्म हो गया तो अब आपसे क्या कह रहा है कि 7:30 बजे कौन सी सुई, 7:30 बजे। तो माय डियर 7:30 बजे घंटे वाली सुई तो यहां पर होगी इन दो के बीच में, और मिनट वाली सुई यहां पर होगी। तो 7:30 बजे घंटे वाली सुई आपकी किस डायरेक्शन में थी, द आर्स हैंड विल पॉइंट एट 7:30। 7:30 में कहां पर था, नॉर्थ वेस्ट में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से करना। पूछा क्या है आपसे, पूछा है रोज का कोड क्या होगा। तो देखिए सर्टेन लैंग्वेज में 7:29 गॉड इज गुड, 8:47 रोज इज ब्यूटीफुल, एंड 5:46 मीनिंग चिल्ड्रन आर ब्यूटीफुल, एंड विच डिजिट मींस रोज। तो रोज का कोड आपसे पूछा क्या होगा, चलो एक काम करते हैं इसको समझते हैं। तो आप देखिए 7:29, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा पेन ना मारकर अपना पतला कर लेना चाहिए यहां पर। तो जो आपको दिया था दैट इज 792, 792 का मतलब है गॉड इज गुड। फिर कह रहे 847 जिसका मतलब है आपका रोज इज ब्यूटीफुल। रोज इज ब्यूटीफुल एंड 546 का मतलब क्या है, 546 जिसका मतलब है चिल्ड्रन आर ब्यूटीफुल।
अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा रोज का कोड क्या होगा। तो डियर यहां देखिए, यहां और यहां आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 7। क्या कोई और कॉमन है? नहीं। तो देखिए आपको क्या कॉमन दिखा, इज, इसका कोड हो गया 7। कोई और कॉमन दिख रहा है? तो देखिए 4, 4 यहां पर कॉमन है सेकंड एंड थर्ड में। तो देखिए इसका कोड क्या दिखा आपको, ब्यूटीफुल। अब आप देखिए 8 का कोड आपका क्या हो जाएगा, 8 का कोड, 8 का कोड हो गया आपका रोज, रोज। तो 8 का कोड आपका रोज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन ए, फर्स्ट, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरे वाह डियर, ये अल्टीमेट क्वेश्चन था जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ये जबरदस्त क्वेश्चन था। बताइए इसका लॉजिक क्या है। बहुत ही समझने के बाद कहीं जाकर इसका लॉजिक पकड़ में आता है इस टाइप के क्वेश्चंस का। चलिए देखिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। आपको यहां दिया था 396, फिर यहां दिया है 725, 12, तो यहां 11, क्वेश्चन मार्क 15। तो हम यहां पर आते हैं, तो डियर 3 6, बीच में दिया है 9। तो आप देखिए आपने क्या किया, 3 और 6 का डिफरेंस निकाला, रिजल्ट आया 3 और 3 का स्क्वायर आपका क्या हो गया, 9, जो कि आपको यहां मिला। सेम आप देखिए आपने क्या, ये भी यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, 7 12, और ये देखिए 25। तो आपने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 किया आपका आया 5, और 5 का स्क्वायर कितना आया, 25। नेक्स्ट, तो 15 हम क्या करेंगे, हम भी सेम लॉजिक डियर यहां पर लगा देंगे। तो यहां पर देखिएगा 11 क्वेश्चन मार्क 15, तो यहां से क्या हो जाएगा, 15 माइनस 11, तो रिजल्ट कितना आया, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज ध्यान से देखिए, मुझे कुछ लग रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एंड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में कुछ नहीं केवल पोजीशंस का खेल है। फिलहाल तो यह क्वेश्चन भी कुछ अलग तरीके का है, प्लीज इसको देखें। बेटा बहुत बार क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड होगा, बहुत बार पजल बेस्ड होगा, यानी लेटर्स को पजल कर दिया जाएगा, और बहुत बार सीक्वेंस बेस्ड होगा, बहुत बार कोडिंग डिकोडिंग रिवर्स पोजीशंस बेस्ड भी आती है। हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे, राइट। चलो टाइम तो रह दिया ही नहीं मैंने। तो डियर यहां पर देखिए डायरेक्शन, DIRECTION, ठीक है, डायरेक्शन में इन्होंने क्या किया, DIR, तो DIR उल्टा कर दिया, DIR, फिर देखिए CE, CE, और CE ने TEC कर दिया, TCE,
तो देखिए इन्होंने क्या किया, बड़ा लॉजिकल तरीके से आंसर किया। पहले तीन लेटर को तो रिवर्स कर दिया, DIR को DIR। फिर देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, TCE कर दिया, यानी T को उठाया यहां ले गए और बाकी दो ऐसे ही रहे। फिर ठीक है NOI, तो NOI फिर से रिवर्स कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए INTRO सेम लॉजिक लगाए, INTRO DUCE। तो देखिए TNI, तो पहला तो TNI, फिर D को उठा के यहां ले गए यानी DRO, फिर ECE, ECU, ये आपका आ गया। तो यहां पर आपने क्या किया, TNI, तो TNI सभी में है, यहां नहीं है, बाकी सब में है। लास्ट में यू आना चाहिए, तो लास्ट में यू नहीं है तो हटा दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है, इन तीन लेटर का खेल क्या था डायरेक्शन में, CTI, CTI नहीं था, फर्स्ट था DIR, ECT था, ECT को इन्होंने क्या करा, ECT। ओके पूरा ही रिवर्स है डियर, पूरा ही रिवर्स है, गड़बड़ हो गया, लिखने में गलती हो गई, डायरेक्शन की स्पेलिंग होती है DIRECT। तो देखिए फिर से TCE हो गया, TCE हो गया, तो आपको भी क्या करना है, DRO करना है, DOR, ये पूरा पूरा उल्टा करना पड़ेगा, मेरी मिस्टेक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को स्टेप किया है, यानी आपका TNI। तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे तो आपका जो आंसर हुआ वो आपका क्या देखने के लिए मिला, दियर TNI DORECU, यानी करेक्ट आंसर आपका बना सेकंड, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं शिफ्ट टू की तरफ। देखिए शिफ्ट वन में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कितना टाइम लगा हम लोगों को सॉल्व करने में एंड समझने में। अभी हम लोग रुक कर रहे हैं शिफ्ट टू की तरफ। शिफ्ट टू क्या कह रही है, ध्यान से देखें, वाटर रिलेटेड टू फिल्टर, मूवी रिलेटेड टू वॉट, आंसर करो 30 सेकेंड में, आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में अगर हमें आंसर करना होगा तो आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। शिफ्ट टू का पहला क्वेश्चन है, शिफ्ट टू का पहला क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए वाटर में, वाटर फिल्टर का काम क्या है, वाटर को प्योरीफाई करना। इसी तरह से अगर आप देखिए सेंसर बोर्ड जो होता है वो क्या करता है, जो फिल्म होता है उसको क्लियर करता है, यानी जो उसमें गंदे या ऑब्सेन सीन्स होते हैं उनको रिमूव करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, फोर्टी फाइव सेकेंड्स, आंसर विद इन 45 सेकेंड्स। बेटा आंसर कीजिए विद इन द टाइम, क्वेश्चन का लॉजिक पकड़िए, लॉजिक क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या, पहले हम इस पे बात करते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए शबनम इंट्रोड्यूस विपुल,
देखिए, अब यहां पर हम लिखते हैं शबनम। शबनम ने किसको इंट्रोड्यूस किया? विपुल को। और कैसे इंट्रोड्यूस किया? एज द सन। तो क्लियर है कि विपुल क्या है? सन है। सन ऑफ द ओनली डॉटर, यानी जिसका सन है वो ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, यानी क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। शबनम इंट्रोड्यूस विपुल एज द सन। इंट्रोड्यूस किया, ये सन है किसका? सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर, यानी ये जो जिसका बेटा है वो ओनली डॉटर है किसकी? ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, उसके फादर के अंकल की। तो शबनम के कोई भी फादर या मदर होंगे, तो यानी आपसे कह रहा है उसके अंकल के फादर की। तो ये शबनम के अंकल हो गए, और इसके शबनम के अंकल के फादर यहां पर हो गए। तो अब देखिए क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या बन रहा है। तो हम ये लेते हैं कि या तो शबनम के फादर होंगे या उनकी मदर होंगी, इन दोनों में से इनका एक भाई होगा। तो ये शबनम के कौन लगे? अंकल लगे। अंकल के फादर ये हो गए, और ये उनकी ओनली डॉटर, ओनली डॉटर है। तो अब अगर ये ओनली डॉटर है तो आप क्या कर सकते हो? और विपुल इनका बेटा है, फिर आपसे पूछा क्या है? विपुल इस शबनम, यानी विपुल शबनम का क्या लगेगा? तो माय डियर सन, अंकल, ब्रदर या नेफ्यू। तो अगर आप देखिए शबनम के अंकल के फादर की बेटी तो ये हो गई, और इनकी बेटी शबनम हो गई। तो अगर ये यहां पर है तो विपुल इनका क्या हो गया? विपुल इनका बेटा हो गया। तो यानी विपुल अगर इनका बेटा हो गया, शबनम का क्या हो गया? विपुल इज शबनम्स ब्रदर। ब्रदर यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया ये? तो यहां अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो आंसर हमारा होगा सी, अदरवाइज आंसर कजिन भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर कह रहा है ओनली डॉटर। सच्चा कह रहा है, ये भी बोल रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। डॉटर तो ओनली है, बट इनका कोई और भाई भी तो हो सकता है। इस तरह से कि शबनम के अंकल के पिता के बेटे की बेटी हो ये, और इनकी एक बहन हो, ठीक है, ओनली डॉटर जो इनकी है, यानी ये, और इनका बेटा विपुल हो, ये भी सिचुएशन बन सकती थी। बट एज पर द क्वेश्चन ऑप्शंस को देखते हुए आपका आंसर गया ये वाला, कि यानी शबनम की ये मदर हो जाएंगी, यानी ये जो ओनली डॉटर थी ये इनके अंकल के फादर की बेटी हो गई, ओनली डॉटर, तो यानी शबनम की मदर हो गई, ये वाला केस हमें लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, बेटा आपको मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पर ये क्वेश्चन एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान से आंसर करना है। माय डियर ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसको मानते हैं, है ना। अब हमें यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए यहां पर कह रहे हैं 7 कार्स, P Q R S T U V, ये कार्स हैं, आर कैप्ट इन एन एग्जीबिशन, यानी एक एग्जीबिशन में इनको रखा गया है। Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यानी Q कहां पर है? इमीडिएट राइट ऑफ यू। तो हम कहते हैं Q इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, हमने इस तरह से ले लिया। U इज फोर्थ टू द राइट ऑफ V, U कहां पर है? U V के फोर्थ राइट है। तो 1
टू थ्री, वी के फोर्थ राइट, 1 2 3 4 हो गया। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशंस हो गए। पी इज बिटवीन आर एंड एस, तो हमें नहीं पता पी इज बिटवीन आर एंड एस, तो ये क्लियर है पी इज बिटवीन आर एंड एस, तो पी इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, क्लियर है। वी विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, वी जो एस के थर्ड लेफ्ट है, तो एस का 1 2 3, और देखिए एस और आर के बीच में पी है, तो ये आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। कह रहा है वी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस इज एट वन ऑफ द एंड, तो वी एंड पर है, तो यानी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पोजीशन यहां पर हो गई, और वो किसकी होगी, वो किसकी हो जाएगी डियर, देखिए पी क्यू आर एस, बचा कौन, टी, टी की पोजीशन हो गई। तो कह रहा है विच इज द करेक्ट पोजिशन फॉर कार टी, कार टी के लिए करेक्ट पोजिशन क्या होगी, इट इज इन द मिडिल, ना मिडिल पे तो नहीं है, इट इज फोर्थ टू द राइट लेफ्ट ऑफ एस, एस के फोर्थ लेफ्ट है, नहीं गलत हो गया, इट इज एट वन ऑफ द एंड, हाँ जी सही है, टी एक एंड पर है जो कि इधर राइट एंड पर है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी, सॉरी डी नहीं, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 सेकंड का है, आपको सीक्वेंस लगाना और सीक्वेंस लगा के बताना है कि करेक्ट आंसर क्या बन सकता है। प्लीज मेंशन द करेक्ट सीक्वेंस डियर, करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपका यहां पर, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। देखिए जब तक हम करेक्ट सीक्वेंस नहीं पता लगाएंगे तब तक हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे जब तक हमें सीक्वेंस नहीं पता होगा। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, यहां पर दिया आपको या तो 6 या 3, तो थ्री, थ्री क्या मैरिड कपल, 6 है फैमिली, तो माय डियर अगर आप देखो पहले आएगा मैरिड कपल, और मैरिड कपल जब होंगे तो वो क्या बनेगी, फैमिली बनेगी, और फैमिली फैमिली जो मिलेगी यानी 3 एंड 6, दो ऑप्शन तो देखते ही बाहर। इसके बाद देखिए दो ऑप्शन 5 एंड 1 दिए, 5 एंड 1 के मतलब क्या है, यानी फैमिली, फैमिली कहाँ मिलेगी, विलेज में, अब विलेज कहाँ मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलेगा, स्टेट में, और स्टेट कहाँ मिलेगा, नेशन में, तो यानी 36 51 42, 36 51 42 यानी करेक्ट आंसर आपका क्या बना, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 38 सेकेंड्स, माय डियर इन 38 सेकेंड में थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा, कैसा क्वेश्चन है, क्या है एंड कैसे इसको आंसर करना है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। अब जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। माय डियर यहां पर ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन एनालॉजी, एनालॉजी में अगर आप देखिए तो इसका जो लॉजिक लगा है, देखिए 6 6 से बना है आपका 42, इसका एक लॉजिक ये है 6 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 एक तो पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है 6 मल्टीप्लाई 7, तो इसमें क्या हो सकता है 9 मल्टीप्लाई 7, एक तो रिजल्ट बन सकता है 63, एक बन सकता है 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 यानी 90, तो हमें देखना पड़ेगा कि 9 का रिलेशन नेक्स्ट क्या होगा, 63 या 90, तो
63 तो है नहीं, 90 आपका है, यानी n प्लस 1 हो गया, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना हो गया 90, 90 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 40 सेकंड दूंगा मैं आपको, 40 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि बेस्ड है आपका डायरेक्शन पे। देखिए अगर ऐसा डायरेक्शन का क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए 40 सेकेंड तो डियर नो डाउट हमें पता ही नहीं पड़ता कि कब खत्म हो जाते हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा, जब कभी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आप अगर प्रैक्टिस टाइम के साथ करोगे तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस मोहन वॉक 10 किलोमीटर टू द साउथ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12, ये हो गया। ही देन टर्न राइट एंड वॉक 5, ये हो गया। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 20, ऐसे हो गया। तो डिस्टेंस पूछा है तो इसको इसके बराबर कर लेंगे, तो अगर ये 12 है तो ये 8 बचा, और ये टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15, 15 तो ये हो गया, 8 ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, यहाँ हो जाएगा 289, और 289 को जब रूट करते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाता है 17, 17 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। नो डाउट 17 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ फोकस करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट हमारी क्या है, देखिए शिफ्ट 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग इस पे बात करते हैं। आरआरबी रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 25 अगस्त 2014, शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस क्या थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसके लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, 16 से 27, देन चलिए 40 सेकेंड दे दे, 16 से 27, 36 से आपका क्या बनेगा। 16 का रिलेशन 27 से है तो 36 का रिलेशन किससे होगा, माय डियर? जब एनालॉगी का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप उसको बड़ी समझदारी एंड सूझबूझ के साथ कीजिएगा, क्योंकि एनालॉगी का क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो देखिए। और दूसरी चीज ये है कि बहुत बार ना इस टाइप के क्वेश्चंस में एक से ज्यादा लॉजिक भी हमारे लग जाते हैं, तो हमें उन लॉजिक्स की तरफ भी फोकस करना है कि ऐसा तो नहीं एक से ज्यादा लॉजिक लग रहे हो, एंड तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। देखिए 16, 27, 36 क्वेश्चन मार्क, 16 यानी 4 का स्क्वायर, 27 यानी 3 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। अब आपने क्या किया, यहां से माइनस 1 किया, यहां से भी माइनस 1 करेंगे तो आपका आएगा 5, और 5 का क्यूब होता है 125, क्वेश्चन मार्क की जगह बना 125, यानी करेक्ट आंसर बना हमारा बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन माइक्रोफोन लाउड माइक्रोस्कोप, तो चलो इसको इसी इसी से बता देता हूं। देखिए माइक्रोफोन का काम क्या है, लाउड करना, आवाज को बढ़ा देना, उसी तरह से माइक्रोस्कोप का क्या क्या काम है, मैग्निफाई यानी चीजों को बड़ा दिखाना। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे हो जाता है तो इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं थी, बट अब आपको देता हूं मैं 1 मिनट का टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक उसी तरह से, देखिए जैसा हम लोगों ने अभी किया था सेटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस। प्लीज आंसर द क्वेश्चन केयरफुली।
डियर देखिए 24 सेकंड है, सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो, यानी ये सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं। चलो चलिए अब एक काम करता हूं, मैं टाइम नहीं देता, डायरेक्टली ऐसे करता हूं, सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो, ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू सी और डी, यानी सी और डी के नेक्स्ट ए नहीं बैठता है, ना ही इधर ना ही इधर। फिर आपसे कह रहे हैं There are 2 person between D and F. तो D and F के बीच में दो लोग हैं, ये भी हमें दे दिया। D is next to B. D जो है वो B का पड़ोसी है, बट किस साइड ये नहीं पता। B who is in one of the extreme, यानी B एक एंड पर है। छह लोग थे तो हम क्या करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, हमने एक बार बी को इधर रखा, एक बार बी को यहां रखा, क्योंकि बी एक एक्सट्रीम पर है और बी का पड़ोसी है डी। डी और एफ के बीच में दो लोग हैं, एफ को यहां रखा तो डी और एफ के बीच में दो लोग हैं, डी और एफ के बीच में दो लोग हैं तो दो लोग यहां पर हो गए। अब जो ए है वो ए सी और डी का पड़ोसी नहीं है, अब ए आपका यहां तो नहीं आ सकता, तो ए आपका यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, और सी भी यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, हमें नहीं पता कहां आएगा, बट ए यहां नहीं आ सकता था, इतना क्लियर था। हु इज सिटिंग इन द अदर एक्सट्रीम एंड, तो माय डियर वो ए भी हो सकता है और वो सी भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपका ये एकदम गलत आंसर ऑप्शंस दिए, क्योंकि आपको क्लियरली बोला है कि ए सी और डी का पड़ोसी नहीं है, तो ए यहां तो बैठ सकता था, इस वाले केस में यहां भी बैठ सकता था, पॉसिबिलिटी थी, अगर ए यहां होगा तो सी यहां होगा, अगर सी यहां होगा तो ए यहां होगा, कंफर्म है हमें। ऑप्शंस गलत दिए थे, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप किसी भी ऑप्शन को टिक करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यहां पर देखिए पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहित सेट, रोहित ने क्या कहा, ठीक है एक फोटो है इसको देखते हुए रोहित ने क्या कहा, रोहित ने कहा हिज फादर His father's brother, तो इसके फादर तो बेटा ये हो गए और उनके ब्रदर ये हो गए। His father brother is my brother's father, is my brother's father, तो यानी रोहित के ब्रदर के फादर, तो रोहित को यहां रख लेते हैं हम, तो ये कह रहे हैं फोटो में जो व्यक्ति दिख रहा है उसके फादर के ब्रदर, his father's brothers is my brother's father, यानी मेरे ब्रदर के फादर। तो पूछा क्या How the रोहित रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो रोहित रोहित इसका क्या लगेगा कजिन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, यहां पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बार जो क्वेश्चन है वो मिसिंग कैरेक्टर का है, जिसमें आपको देखिए ऑप्शन दिए और हमें बताना है कि यहां पर क्या लॉजिक लगा है, हमें लॉजिक बताना है डियर, क्या लॉजिक लगा होगा एंड कैसे आंसर आया होगा, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आपके लिए देते हैं और आप लोग इसका चैट बॉक्स में हमें आंसर करें, कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए ताकि बच्चा थोड़ा सा सोचे समझे और आंसर करे, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, मैं आपको चैट बॉक्स में डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा अगर आप मुझे इसका आंसर करते हैं। और ये इस शिफ्ट का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन था जो मैक्सिमम बच्चों से नहीं हिला, ठीक है तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा, और पढ़िए हमारे साथ गेट अकेडमी पे, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अगर सीबीटी 1 का लेना है तो 499 और सीबीटी 1 एंड 2 लेना है तो आपको 777 का मिल रहा है। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।